हाय फ्रेंड, दिस इज नम्रता एंड यू वॉचिंग माई चैनल हुनर क्रिएशन। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो मेरा मैंने थोड़े दिन पहले आपको टिकुली आर्ट सिखाया था, वो भी पूरे A4 पेपर शीट पे मैंने आपको टिकुली आर्ट सिखाया हुआ था पूरा A4 शीट पे। ये मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक छोटी सी पेंटिंग टिकुली आर्ट, और वो भी ब्रश वाले स्केच पेन से। जी हाँ, ये ब्रश वाले स्केच पेन है, क्योंकि जिनको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है आर्ट एंड क्राफ्ट और वो ब्रश नहीं उठा सकते, तो उनके लिए आजकल एक बहुत ही अच्छी ये फैसिलिटी जो है ऑनलाइन आई हुई है, ये ब्रश वाले स्केच पेन है। ये देखिए, आराम से आप इनको यूज कर सकते हैं, तो एटलीस्ट वो स्केच पेन तो यूज ही कर सकते हैं। और स्केच पेन यूज करके ये टिकुली आर्ट मैंने कैसे बनाई है इसको मैं आपको बताती जाऊंगी आगे, और इसका सारा जो बेसिक क्या है और इसका ट्रेडिशनल इसकी स्टोरी क्या है टिकुली आर्ट की, वो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। तो चलते हैं आगे और बढ़ते हैं कि इसको कैसे कैसे हम बनाएंगे। ओके, देखिए मैंने जो है टिकुली आर्ट की डिजाइन जो है ड्रॉ कर ली है, आप लोगों को मैं ऐसे दिखा देती हूँ। ये देखिए, और हमें क्या करना है, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि ये वाली ड्राइंग मैं ब्रश वाले स्केच पेन से बताऊंगी, तो ये वाले ब्रश स्केच पेन है। आप देखिए, ये देखिए इस साइड जो हमारी जो मोटी साइज होती है उसको हम जो बड़ी जगह है उसके लिए यूज कर सकते हैं, और जितने हमारे सेंसिटिव एरियाज होते हैं उनके लिए हम पतली जगह पतली जो हमारी ब्रशेज है हम उनको यूज कर सकते हैं। ओके, तो हम शुरू करते हैं इसको बनाना। कि मैंने सारे कलर्स ले लिए हैं, आप ब्रश वाले स्केच पेन लेंगे उसमें आपको मोस्ट प्रॉब्ली सारे कलर्स मिल जाएंगे। उसके बाद अब हमें क्या करना है, क्योंकि इसमें भी आपको सबको पता है कि जैसे हमारा जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लैक होता है टिकुली आर्ट का। मैं पहले आर्ट में आपको बता चुकी हूँ, ये मेरा दूसरा है, वो इसलिए है कि जो ब्रश से नहीं कर पाते हैं वो इसके से भी एक बार ट्राई करके देख सकते हैं कि उन्हें आता है कि नहीं आता है। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको बनाना। अब देखिए, जैसे इस साइड की डॉल मेरी कंप्लीट हो गई है, वैसे सेम हम इस साइड की जो है टिकुली डॉल कंप्लीट करेंगे। ड्रेसेस पहना के और हेयर वगैरह करके इनको हम कंप्लीट करें। अब देखिए, हम इनके बाल बनाएंगे। बाल बनाने के लिए मैं एक चीज आपको बहुत जरूरी होता है इनके, उसमें मैं आपको बता दूं, जो इनके बालों के कर्व है वो केवल 5 कर्व होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये देखिए, केवल इतने ही कर्व होते हैं इनके। जो भी टिकुली आर्ट की फीमेल डॉल्स होती हैं उनके केवल बाल जब भी बनते हैं तो ये 5 कर्व्स होते हैं। ओके, ये देखिए, इनको ही मैंने देखिए ध्यान से 1, 2, 3, 4, 5 कर्व्स। और ये जो व्हाइट होता है इसको हम जो है व्हाइट जो हमारी पतली पेन होता है, जो मार्कर पेन हमारा पतला होता है, उससे हम इनको हाईलाइट करेंगे।
ये देखिए इस तरह की जो है हमें आउटलाइन फिल करनी है। ये सारा पोर्शन जो है हमें देख रहे हैं आप, ये हमें सब सिंपल व्हाइट रखना है, इनकी ये मेन स्पेशलिटी होती है। और इनपे अंदर हमें लाइंस वगैरह कुछ भी नहीं देनी होती है, ये एकदम प्लेन रहते हैं। और इनकी जो ये देख रहे हैं आप डाल जो है पैरों की, ये भी बिल्कुल जो है एकदम व्हाइट रहती है, क्योंकि हम जब व्हाइट ब्लैक बेस देते हैं तब जो है बेस देने के बाद ही ऑटोमेटिक उभर आते हैं। तो अब हम चलते हैं इसका, इसको मैंने सर्कल बनाया है, तो देखिए सर्कल हम बेस देना इसको शुरू करते हैं। और ये देखिए इस तरह से ये जो है पेंटिंग रेडी हो गई है। मैंने व्हाइट पे कोई भी ड्राइंग नहीं की है, इनको प्लेन रखा है। मैंने आपको शुरू से ये मैं कह रही हूँ कि ये यहाँ की टिकली आर्ट की स्पेशलिटी होती है। और फेस को देखिए, मैंने फेस है, हैंड है, जो इनका मेन बेसिक वो होता है कि येलो होना चाहिए, मैंने उसको येलो ही रखा है। और जो है बेस है इसको मैंने ब्लैक किया हुआ है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको स्क्वायर शेप में बनाइए, ओवल शेप में बनाइए, सर्कल में बनाइए। मैंने आपको इससे पहले पूरी A4 शीट पे मैंने बनाया हुआ है, वो मैंने आपको दिखाया। ये मैं सर्कल पे मैंने इसको बनाया है, तो ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये छोटी सी ड्रॉइंग आप इसको कैसे बना सकते हैं। आप चाहे तो इसको कटिंग करके आप किसी चीज पे लगा सकते हैं, बेस दे के कोई चीज लगा के आप हैंग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में भी आया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज एक लाइक भी कीजिए। और मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इसी तरह से अच्छी अच्छी पेंटिंग के साथ और ट्रेडिशनल पेंटिंग के साथ हम मिलते रहेंगे, और आगे भी ऐसे ही अच्छी पेंटिंग मैं लाती रहूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और पेंटिंग के साथ। टिल देन बाय बाय।